दोस्तों वैसे तो अपने देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटी चलती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चलती हैं, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी चलती हैं। अलग अलग स्टेट में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनी हुई है। टोटल हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तो लगभग 440 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अभी 2023 में चल रही है। और जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं, कुछ तो सिर्फ चलती हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स तो उनके पास रेगुलर है नहीं, फिर वो बैकडोर के तरीके से डिग्री विग्री बांट बूट कर अपने पैसे का अरेंजमेंट कर अपने कैंपस को चलाती हैं। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी और हमने ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज पर वीडियो बनाई भी है। और ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। मैं बात करूं अभी अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में टोटल देखा जाए तो 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं और लगभग 9 की 9 पर हमने वैसे तो वीडियोस बनाई है। बट नॉर्थ ईस्ट जो एक यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नेफ्टू ये शॉर्ट में बोलते हैं, इस पर बहुत सारे कमेंट थे स्टूडेंट्स के कि इस पर हम एक वीडियो बनाएं और क्या कहता है यूजीसी, स्टेटस क्या है, अप्रूवल्स क्या है, कोर्सेज कौन कौन से इस यूनिवर्सिटी में चलते हैं, यूनिवर्सिटी कब बनी है और कैसे बनी है, किस तरह का कैंपस है, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके दिल में, जो स्टूडेंट्स कभी यूनिवर्सिटी गए ही नहीं पर उनके पास डिग्रीज है, वो एक सेकेंडरी बात है कैसे आपके पास वो चीजें आई। बट अपनी वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे आज कैसे डिग्री आई, हम आपको बताएंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में हकीकत, मतलब अप्रूवल्स क्या कहते हैं। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। और दोस्तों सिर्फ अप्रूवल को देखकर आप एडमिशन ले लें ये भी गलत चीज है, क्योंकि जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं, डोंट बी क्वालिफाइड बी एजुकेटेड। सिर्फ डिग्रियां लेने से, डिग्रियां खरीद लेने से कुछ होगा नहीं दोस्तों उसका। ये जो डिग्रियां है सिर्फ आपकी फीस की रसीद भर है, जो फीस पे की है आपने यूनिवर्सिटीज में। मेरा मानना है अच्छी एजुकेशन लेनी चाहिए आपको और क्वालिटी एजुकेशन लेने का आपका अधिकार है, ये अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता। इस नेफ्टू यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ जानने के लिए और आज आपके इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट वैसे बचेंगे नहीं आपके दिल में, ज्यादा कुछ जानने के लिए नेफ्टू यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों वैसे तो हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर वीडियोस बनाई है, हमने नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को लिया, अरुणाचल प्रदेश में जितनी यूनिवर्सिटीज चलती हैं वीडियोस हमने बनाई, बट जो ये यूनिवर्सिटी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हमने इस पर 2-3 साल पहले भी कुछ वीडियोस बनाई थी, फिर हमने वीडियोस नहीं बनाई इस पर। बट अब काफी सारे स्टूडेंट्स जो कमेंट कर रहे हैं कि उनके डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, डिग्री नहीं मिलती है, यूनिवर्सिटी से कोर्स तो कंप्लीट कर लिया, यूनिवर्सिटी कैंपस को आज तक विजिट नहीं करा, तो किसी भी यूनिवर्सिटी को चेक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको देखना होता है उस यूनिवर्सिटी का यूजीसी का अप्रूवल। यूजीसी पर अगर यूनिवर्सिटी लिस्टेड है तो वो यूनिवर्सिटी मान्य है और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर यूनिवर्सिटी की डिटेल्स यूजीसी पर अपडेटेड है तो उस यूनिवर्सिटी को आप मान्य यूनिवर्सिटी मान सकते हैं। कैसे डॉक्यूमेंट लिए वो आप पर डिपेंड करता है। तो यूजीसी क्यों? क्योंकि गारंटी विदाउट गारंटर इज नथिंग। गारंटर कौन है यूनिवर्सिटीज का कि यूनिवर्सिटी मान्य है? वो है यूजीसी। और यूजीसी ही रेगुलेट करता है अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को और यूजीसी रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। यहां पर आप सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी को चेक कैसे करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे कि यूनिवर्सिटी जो है ये एजुकेट एवरीवन का मोटो है इस यूनिवर्सिटी का देने का, कितनों को एजुकेशन दी वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। और आपने जो डॉक्यूमेंट लिए वो आप खुद देख लें कैसे डॉक्यूमेंट आपने लिए। साथ में ही यूनिवर्सिटी बनी है 2014 में और यूनिवर्सिटी के पास जो अप्रूवल्स हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का अप्रूवल है, बार काउंसिल, एनसीटीई, पीसीआई, ऐसे कुछ अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास है। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट जो बोलता है विकिपीडिया वो है www.neftu.edu.in, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बोलता है। 2014 में यूनिवर्सिटी बनी है सेक्शन 2F के तहत, जो यूजीसी एक्ट है 1956 का उसके तहत। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। कैसे चेक करेंगे इस यूनिवर्सिटी को आप यूजीसी पर? सबसे पहले आप टाइप कीजिए
UGC.gov.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हिंदी में बोलते हैं क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल। यहाँ पर आप देखेंगे तो टैब की बात करें तो यहाँ पर HEIS के नाम से कुछ लिखा हुआ है। आप इसको देखें, यहाँ पर क्या है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसको बोलते हैं HEI, जो कि 1992 में बना और इसके अनुसार ही HEI की स्थापना हुई। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही HEI में क्लिक करेंगे तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक टैब बना हुआ है, आप वहां पर जाके क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे प्राइवेट लिखा हुआ है कि एक बॉक्स में 440 यूनिवर्सिटीज का नाम लिखा हुआ है, 440 यूनिवर्सिटीज की एंट्री है। नीचे देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश लिखा होगा, अरुणाचल प्रदेश पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश पे आप क्लिक करेंगे तो टोटल जो अरुणाचल प्रदेश में जो यूनिवर्सिटीज हैं, नो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट यहां खोल देगा। मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। और इन नो में से आप देखोगे तो 261 पर, 261 नंबर पर आप देखोगे प्राइवेट में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, जो कि आलो में यूनिवर्सिटी स्थित है। इसके बारे में डिटेल्स है। अब आप और कैसे चेक करेंगे, इसके आगे आप देखेंगे तो अदर डिटेल्स पे आप जाके क्लिक कर दीजिए। यहां पर लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कब बनी, 3 सितंबर 2014 में यूनिवर्सिटी बनी है। डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी 2018 में, मतलब कि 13 सितंबर 2018 में यूनिवर्सिटी ने जो इंफॉर्मेशन है वो सबमिट की अपनी यूजीसी को। एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड, यस और नो, यस मतलब कि यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने मान्यता दी हुई है। तो मान्यता के बारे में तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, और यहीं से आप सीधा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, किसी भी यूनिवर्सिटी की जो यूजीसी पर डली है, आप इसी वेबसाइट पर ही सिर्फ आप रिलाय कर सकते हैं, और किसी भी वेबसाइट पे कभी रिलाय आप ना करें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो सिटिंग पर्सन है वो कौन कौन है। जैसे कि यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन कौन है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रो चांसलर कौन है, रजिस्ट्रार साहब कौन है, ये सब डिटेल जानने के लिए पहले तो बड़ा आसान था कि पहले आप यूजीसी से ही डिटेल्स मोर डिटेल में जाकर निकाल सकते थे। अब क्योंकि पूरा यूजीसी का इंटरफेस चेंज हो गया, यूजीसी की वेबसाइट बदल दी गई है, तो इसीलिए वहां से निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो उसके लिए आप सीधा जाएंगे अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, और जो मैसेज लिखा हुआ है, मैसेजेस, वहां पर आप देखेंगे फ्रॉम चेयरमैन। तो फ्रॉम चेयरमैन से जो यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है, चेयरपर्सन दिलीप के नैयर, उनके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ मेंशन है। यूनिवर्सिटी के जो चेयरपर्सन है वो है दिलीप के नैयर जी। और साथ में ही जो यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर है, प्रो चांसलर पे आप क्लिक करेंगे तो राकेश दहिया है यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर, इनके बारे में भी यहाँ काफी डिटेल्स यहाँ मेंशन है। साथ में ही प्रो वाइस चांसलर, आप प्रो वाइस चांसलर पे क्लिक करोगे, हालांकि ओपन होगा नहीं, डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है नहीं। साथ में लिखा हुआ है फ्रॉम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जी, इनके बारे में डिटेल की हमें जरूरत है नहीं। यहाँ पर चाहिए हमें रजिस्ट्रार साहब की डिटेल और वाइस चांसलर की डिटेल, जो दोनों ही डिटेल्स यहाँ पर वेबसाइट पे मेंशन नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि आधिकारिक रूप से अगर देखा जाए, अगर संवैधानिक रूप से भी देखा जाए, या हम देखें किसी भी लीगल तरीके से, तो यूनिवर्सिटी का असली मालिक होता है वाइस चांसलर। जो चेयरपर्सन है या फिर जो यूनिवर्सिटी के असली मालिक है, वो असली मालिक इसलिए नहीं मानते कि सारे कामकाज जो यूनिवर्सिटी के देखे जाते हैं, सब तरह के साइन भी जो डिग्री पे करे जाते हैं, वो वाइस चांसलर के द्वारा ही किए जाते हैं किसी डिग्री पर। वाइस चांसलर साहब की यहाँ पर डिटेल मेंशन नहीं है, रजिस्ट्रार साहब की भी डिटेल्स यहाँ मेंशन नहीं है। पब्लिक नोटिस में भी आप जाके देखोगे, हालांकि पहले यहाँ मेंशन किया हुआ था सेंटर्स के बारे में, अब यहाँ वो सब डिटेल्स नहीं है। तो और भी कोई डिटेल पर आप अगर चाहेंगे जानकारी लेना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उस पर भी आपको जानकारी जरूर देंगे। दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी को मान्यता मिली, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो बनती है वो सेक्शन 2F के तहत बनती है यूजीसी एक्ट के अनुसार। अब ये यूनिवर्सिटी भी वैसे ही बनी है, तो जैसे ही कोई यूनिवर्सिटी बनती है, यूजीसी का अप्रूवल लेकर सभी तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज करा सकती है, सभी तरह के डिप्लोमा कोर्सेज करा सकती है, यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स करा सकती है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करा सकती है, और PhD में एडमिशन ले सकती है। इसका बाय डिफॉल्ट यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिल जाता है। बट बाकी के कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज काउंसिल से रिलेट करते हैं, उन कोर्सेज को चलाने के लिए यूनिवर्सिटी को पहले उस काउंसिल का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऐसे कोर्सेज नहीं चला सकती। अब वो काउंसिल कौन कौन सी होती है, जो अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, क्योंकि यूजीसी ने मान्यता दे दी। अब यूजीसी के अलावा इस यूनिवर्सिटी ने और किस किस चीज की मान्यता ली, अब आप साथ साथ वो भी जान लीजिए।
यूनिवर्सिटी बोलती है कि यूनिवर्सिटी के पास यूजीसी की मान्यता तो है ही, साथ में ही स्टेट का अप्रूवल लेना पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश का जो अप्रूवल है वो भी यूनिवर्सिटी ने लिया हुआ है, यहाँ पे आप उसका एक्ट देख सकते हैं। साथ में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज मतलब इंडियन यूनिवर्सिटी जितनी भी चलती है अपने देश में उनका एक एसोसिएशन है, उसमें भी यूनिवर्सिटी ने अपना नाम दायर करा रखा है। साथ में ही नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जिसको बोलते हैं NCTE, दोस्तों बीएड कोर्स करने के लिए NCTE का अप्रूवल चाहिए होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी तभी बीएड करा पाएगी जब उसके पास NCTE का अप्रूवल होगा, यूनिवर्सिटी ने अप्रूवल लिया हुआ है। साथ में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, BCI का, BCI मतलब कि आपको LLB करना है, 3 साल की LLB करनी है, 5 साल की LLB करनी है या LLM करना है तो उस यूनिवर्सिटी के पास BCI का अप्रूवल होना चाहिए, वरना यूनिवर्सिटी LLB में एडमिशन नहीं ले सकती। साथ में ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की हम लोग बात करें तो जैसे कि बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी, अगर यूनिवर्सिटी कोर्सेज कराना चाहती है तो यूनिवर्सिटी के पास PCI का अप्रूवल होना चाहिए। और भी कुछ अप्रूवल जैसे कि AICTE की हम बात करें तो यूनिवर्सिटी हालांकि देखा जाए टेक्निकल कोर्सेज करवाती है, बट उसके अप्रूवल की जो AICTE का अप्रूवल होता है उसकी जरूरत यूनिवर्सिटीज को नहीं होती, कॉलेजेस को होती है। दोस्तों अभी 2023 में यूनिवर्सिटी के पास कौन कौन से नए अप्रूवल्स आए हैं, कौन कौन से नए कोर्सेज आए हैं या फिर कौन से अप्रूवल्स अब हट गए हैं या कौन से कोर्सेज अब यूनिवर्सिटी नहीं करवा सकती, ये सब के लिए हमें यूनिवर्सिटी पर्सनली विजिट करना होगा या फिर हमारे पास यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस आए 2023 का, तो ही आपको डिटेल में बता पाएंगे। पर काफी सारी यूनिवर्सिटीज अपने आप को ट्रांसपेरेंटली स्टूडेंट्स के सामने लाना चाहती नहीं है और स्टूडेंट तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचे ये भी काफी यूनिवर्सिटीज नहीं चाहती है। बट इस यूनिवर्सिटी का जब भी कभी हमारे पास प्रोस्पेक्टस 2023 का आता है या हम यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे तो आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। यूनिवर्सिटीज के पास दोस्तों अप्रूवल है इसका मतलब ये नहीं यूनिवर्सिटी पूरी तरह से मान्य है, तो हो गई, पर किस तरह से एक्टिविटी कर रही है, किस तरह से डिग्रियां प्रोवाइड कर रही है, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स आपको दे रही है, इसकी आपको देखना चाहिए रियलिटी क्या है और कैसे आप डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि आपने डिग्रियां ले भी ली और आपको नॉलेज नहीं है तो वो डिग्री दोस्तों किसी काम की नहीं है। गेट पास का काम तो हो सकता है कि आपको नौकरी कोई मिल जाए, पर नौकरी वो लंबे वक्त तक चलेगी, कंटिन्यू होगी, ये कोई जरूरी दोस्तों नहीं है, ये तो शॉर्टकट एक टाइम हो गया। मेरा मानना है चाहे यूनिवर्सिटी को आप सिस्टमेटिकली ही टाइम दें, यूनिवर्सिटी कैंपस जाएं, एग्जाम्स देने जाएं, विजिट करें, बहुत तरीके होते हैं, बट ऐसे यूनिवर्सिटीज पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के पास कोर्सेज कौन कौन से हैं। कोर्सेज की हम अगर दोस्तों बात करें तो यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो मैंने आपको बताया डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक जैसे कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। यूनिवर्सिटी को AICTE के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, AICTE के अप्रूवल की जरूरत होती है कॉलेजेस को, तो ये यूनिवर्सिटी इन कोर्सेज को करवाती है। डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं, बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। साथ में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स मतलब कि किसी भी स्टूडेंट को बीए करना है, एमए करना है, बीए किसी भी ऑनर्स में करना है, एमए किसी भी ऑनर्स में करना है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट जो होते हैं वो सभी यूनिवर्सिटी ये करवाती है, उनमें एडमिशन लेती है। साथ में ही लिखा है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का मतलब कि बीकॉम में, एमकॉम में आप एडमिशन ले सकते हैं, मैनेजमेंट में BBA में एडमिशन ले सकते हैं, MBA में एडमिशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी के पास कैंपस कैसा है, कितने स्टूडेंट्स MBA कर रहे हैं, ये जाके आप जरूर देख लें एडमिशन लेने से पहले, बेटर होगा, अदरवाइज बस मैंने जैसा आपको बताया कि सिर्फ वो गेट पास की तरह काम करेगा और कुछ नहीं होगा। साथ में फैकल्टी ऑफ साइंस, BSc MSc आप कर सकते हैं, BSc ऑनर्स में सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग, MSc ऑनर्स में होते हैं बहुत सारे, वो आप कर सकते हैं। MSc जैसे कि MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, IT, कंप्यूटर साइंस, बहुत तरह के सब्जेक्ट होते हैं, आप उनमें कर सकते हैं। साथ में फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, दोस्तों जो अलाइड हेल्थ साइंस जैसे जो कोर्सेज होते हैं, मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स जो कोर्स करके आ रहे हैं उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, उनके पास एक्सपोजर होना चाहिए, मतलब ऐसे ही कोर्स को कंप्लीट कर लेने दोस्तों कुछ होगा नहीं, यूनिवर्सिटी कोर्स जरूर करवाती है पर आपको जाके देखना चाहिए। फैकल्टी ऑफ लॉ LLB यूनिवर्सिटी करवाती है, 3 साल 5 साल की LLB, LLM करवाती है। अब आपको ये जाके चेक करना होगा कि यहाँ यूनिवर्सिटी के पास मूट कोर्ट है भी कि नहीं, मतलब सिर्फ स्टूडेंट डिग्री लेकर आगे निकल रहे हैं सिर्फ लॉ करने के लिए, मतलब वकील बनने के लिए, या फिर उनके पास कोई नॉलेज भी है, ये देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। वकालत तो ऐसा एक पेशा होता है कि पूरे जीवन भर पूरी जिंदगी पढ़ते ही रहोगे आप लोग, क्योंकि लर्नेड काउंसिल लिखा होता है, आपने देखा होगा लर्नेड एडवोकेट लिखा होता है, विद्वान अधिवक्ता, विद्वान इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो पूरी जिंदगी पढ़ते हैं और पढ़ते ही रहेंगे, नॉलेज नेवर एंड्स, आपको पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी मतलब कि बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी जैसे कोर्सेज के लिए, हालांकि इन्होंने इसके आगे स्टार लगा रखा है, स्टार तब लगाती हैं यूनिवर्सिटीज जब उनके पास उस वक्त का अप्रूवल नहीं होता या फिर मान्यता रद्द कर दी गई होती है।
तो क्या है हकीकत, इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछना जरूर। हो सकता है हम इस पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आए। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, जैसे कि आपको एनसीटी का बताया मैंने आपको, बीएड कराने के लिए यूनिवर्सिटी को एनसीटी ई का अप्रूवल चाहिए होता है, तो यूनिवर्सिटी को भी एडमिशन करवाती है बीएड में। यहां तक स्टूडेंट्स ने हमसे यह भी सवाल किया कि यूनिवर्सिटी से बी वोकेशनल हम करना चाहते हैं तो बी वोकेशनल करें या ना करें, क्या यूनिवर्सिटी बी वोकेशनल कोर्स करवाती है। इस पर भी आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछना। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में अगर होते हैं किसी भी कोर्स को लेकर, इस यूनिवर्सिटी को लेकर, किसी भी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, अप्रूवल पर डिटेल वीडियो लेना चाहते हैं, या किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी पर आप वीडियो चाहते हैं किस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं, कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका इंतजार करेंगे और नेक्स्ट वीडियो उसी पर लेकर आएंगे। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जो हमने बनाया नेफ्टू यूनिवर्सिटी पर। वीडियो अच्छा लगा हो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो दोस्तों आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।